वेलकम टू महदी समयल इनकी नाम पाकपो डिश रोम रोम टेस्टियान पनीर बटर मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल वीटल इंग्रीडियंट्स वे एप्ली पाक अद्कुन नमुक इतना इनक्रीडियंटे पातीटर स्क्रीन डिस्प्ले को अंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स नोट पड़को वांग नम्ब डिश् आरमचरल और पेन नम्ब 3-4 टेबल स्पून आफ आयिल विटकल आयिल सूडा सूडान पे नाम कट पड़ी वजचर आनियंस वो आड पड़ा आनियंस ना वद करी लीव अंड ना अश्क की 4 ड्राई चिल्ली वो आड पड़े अंड वचर जिंजर अंड गार्लिक आड पड़ी ना वदकल समय कट पड़ी वचर टोमेटोस नाम आड पड़ा इत रे ना वदंगटो पारें सूपर वदंगी वो नाम और मिक्स वो ट्रांसफर पड़ी के ना आरने पर नाम और फैन पेस्ट अरे वजकल और पेन वो 3-4 टेबल स्पून आफ घी आड पड़ो वीटल बटर अवेलबिचा नहीं बटर इे क्वांटिटी आड पड़को रेमेमें मोरल सें टेस्ट तर वीटल एपी घी अंड बटर से वीडियो लिंक वो ना उई बटन को चक पड़ो सो इतना ना घी काजी इेबल स्पून आफ काश्मीरी चिल्ली पउडर आड पड़े आड पड़े ना मेरी वो किरीको नम्ब अरे वचर आनियन टोमेटो पेस्ट नाम इत सम आड पड़ी के सो आड पड़े रे सर मारे ना कलो रे कपटर ना अश् को आड पड़े आड पड़े अगेन वो ना वो कलरीको डिश्क देवान अलव उप गरम मसाला रे टेबल स्पून आड पड़े इनकी वो ना कलो 10 मिनट्स ग्रेवी वो ना कुटर नम्बर और हाफ कप मिल्क आड पड़ रहा यूशल रेस्टोरेंट वो क्रीम आड पड़वा अल्टरनेट ना मिल्क आड पड़े सो वो डिश् रोम रिचा तिका सो इत ना कुटे नाम 1 टेबल स्पून आफ शुगर वो अगेन आड पड़ रहा இந்த sugar ஆட் பண்ணதால அந்த லைட்டான ஸ்வீட்னஸ் வந்து இந்த டிஷ்க்கு கொடுக்கும் யூசுவலா கோயா ஆட் பண்ணுவாங்க சோ கோயாக்கு ஆல்டர்னேட்டா நான் வந்து sugar ஆட் பண்ணிருக்கேன் கிரேவி வந்து நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு இந்த டைம்ல வந்து நம்ம பனீர் கியூப்ஸ் ஆட் பண்ணிரலாம் இங்க நான் 150 grams of பனீர் வந்து எடுத்துக்கேன் சோ இது நல்லா கொதிச்சு வரணும் இப்போ பாருங்க இந்த கிரேவி வந்து நல்லா திக் ஆகற வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்லா கொதிக்க விடலாம் சூப்பரா கிரேவி வந்து திக்கான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துச்சு இந்த டைம்ல நம்ம வந்து கொரியண்டர் ஆட் பண்ணிடலாம் சோ அவ்ளோதாங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ரெஸ்டாரன்ட் ஸ்டைல் பனீர் பட்டர் மசாலா நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு வீட்லயே இருக்க இன்கிரிடியன்ட்ஸ் வச்சு நம்ம எப்படி சூப்பரா வந்து ரெஸ்டாரன்ட் ஸ்டைல்ல பண்ணலாம்ன்ற வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ல எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தீனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க குட் பை